हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोडीज के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की बात करने वाले हैं। तो क्या कोई भी कंटेस्टेंट हमें एज अ वाइल्ड कार्ड देखने को मिलने वाले हैं? जो कंटेस्टेंट वोट आउट होकर घर चले जाते हैं, मैं उन कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे कोई कंटेस्टेंट देखने को मिलने वाले हैं? तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो रोडीज के बैटल ग्राउंड का तो मैंने आपको बता दिया है कि बैटल ग्राउंड में 5 प्लेयर आएंगे जो विनर बने थे, और उन 5 में से 3 प्लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे और प्रिंस, गौतम और रिया की टीम में एक एक प्लेयर चले जाएंगे। अब बात की जाए कि कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आने वाला है जो कि वोट आउट होकर घर जाता है, तो अभी उनका ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और इस सीजन में कम ही चांस है कि हमें कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि अभी जो 6 कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हुआ है और आज के एपिसोड में जो 2 कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हो जाएगा, इनमें से तो शायद ही कोई हमें वापस से शो के अंदर देखने को मिले। बट इन फ्यूचर कोई बड़े प्लेयर का वोट आउट होता है तो या तो उन्हें वापस ले आया जाएगा या फिर कुछ ट्विस्ट करके उनको वोट आउट किया ही नहीं जाएगा, उनको सेव कर लिया जाएगा। बट मेनली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है बैटल ग्राउंड प्लेयर के अलावा। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना।